Assalamu waliku warahmatullahi wabarakatuhu. This is Tariq. Today I'm going to give you a gift. In this video, this video. Mein. But I will not tell you when I will give you a gift. Maybe it will be end of the video. Maybe it will in the middle of the video. But stay with me and keep watching and you will know. मेरे साथ रहें और देखें और सुने और आपको वो गिफ्ट भी मिलेगा और एक बात और बहुत अहम अंग्रेज़ी सीखने की टिप्स भी आपको दूंगा इन चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस सेट वन कॉमन फ्रेजेस आज हम उर्दू से इंग्लिश जुमलों को देखेंगे सबसे पहला जुमला है मैं इंग्लिश बोलता हूँ या मैं इंग्लिश बोलती हूँ आई स्पीक इंग्लिश आई स्पीक इंग्लिश बहुत कॉमन है आपने सोचा होगा बहुत स्पेशल जुमले आने वाले नहीं ऐसी बात नहीं है बहुत इंटरेस्टिंग जुमले आने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो आप मौका छोड़ देंगे अच्छे अच्छे जुमले सीखने का ये एक नई सीरीज़ है दूसरा जुमला क्या आप इंग्लिश बोलते हैं क्या आप इंग्लिश बोलते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश डू यू स्पीक इंग्लिश क्या आप इंग्लिश बोलते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश नेक्स्ट है मैं समझता हूं या मैं समझती हूं आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड नेक्स्ट है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कैन यू हेल्प मी कैन यू हेल्प मी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं नेक्स्ट क्या मैं वापस जा सकता हूँ या क्या मैं वापस जा सकती हूँ बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते ये आपके लिए है कि आप जब भी कहें क्या मैं वापस जा सकता हूँ क्या मैं वापस जा सकता हूँ तो कैन आई गो बैक कैन आई गो बैक अब एक लफ्ज़ का इजाफा कर दे कैन आई गो बैक होम क्या मैं वापस घर जा सकता हूँ तो बहुत अहम है बहुत कॉमन है और आपने इसको रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है बेशक उर्दू के साथ इस्तेमाल करें इट विल बी गुड फॉर यू बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बर करम धीरे से बोले या मेहरबानी करके धीरे से बोलें बर करम धीरे से बोले या मेहरबानी करके धीरे से बोलें दोनों के लिए एक ही इंग्लिश है प्लीज़ स्पीक स्लोली प्लीज़ स्पीक स्लोली नेक्स्ट है मैं भूखा हूँ या मैं भूखी हूँ इसका मतलब ये नहीं आप नदीजे हो इट मीन्स कि आपको भूख लग रही है तो आप किसी को कहेंगे मुझे भूख लगी है या मैं भूखी हूँ बात एक ही है आई एम हंग्री आई एम हंग्री नेक्स्ट है क्या आपको पानी चाहिए क्या आपको पानी चाहिए डू यू वॉन्ट वाटर डू यू वॉन्ट वाटर क्या आपको पानी चाहिए नेक्स्ट है मेरा नाम तारिक है या लड़की है तो मेरा नाम किरण है क्योंकि मैंने अपना और अपनी वाइफ का नाम लगा दिया किसी और का लगा नहीं सकता था सो माय नेम इज तारिक या माय नेम इज किरण आप इस तरह भी कह सकते हैं क्या यह समझ आया क्या यह समझ आया इसको दूसरे लफ्जों में भी कहा कह सकते हैं क्या तुम ये समझे डिड यू अंडरस्टैंड दिस डिड यू अंडरस्टैंड दिस मैं थक चुका हूं या मैं थक गया हूं या मैं थका हूँ तीनों के लिए लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन आप ये इस्तेमाल करें कि मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ तो इसके लिए क्या होगा आई एम थायड आई एम थड नेक्स्ट है क्या आप वक्त के बारे में बता सकते हैं क्या आप वक्त बता सकते हैं इट मींस क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं कैन यू टेल मी टाइम कैन यू टेल मी टाइम अब जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहला सीक्रेट कि आपको अब से ये जो नई सीरीज शुरू हो रही है इसमें हर वीडियो में हर संडे को मैं वीडियो अपलोड करूंगा और हर वीडियो में आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी यानी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पहला सीक्रेट दूसरा बाद में बताता हूँ क्या मैं यहाँ से दूर हूँ बहुत कॉमन है बहुत ज़बरदस्त जुमला है क्या मैं यहाँ से दूर हूँ एम आई फार फ्रॉम हेयर एम आई फार फ्रॉम हेयर क्या मैं यहाँ से दूर हूँ मैं कल आऊँगा बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैं कल आऊँगा आज नहीं आ सकूँगा आई विल नॉट कम टुडे बट आई विल कम टमारो मैं आपको मैं कल आऊँगा इसका मतलब क्या होगा या मैं कल आऊँगी आई विल कम टमारो आई विल कम टमारो मैं खुश हूँ मैं उदास हूँ आप ये भी कह सकते हैं आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ क्या ये सच है क्या तुम वाकई में खुश हो आर यू रियली हैप्पी इज़ दिस ट्रू मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या ये सच है इज़ दिस ट्रू इज़ दिस ट्रू मैंने इससे पहले जो जुमला लगाया वो पिछला जुमला और इस जुमले को मिला के लगाया तो आप इस तरह दो जुमलों को भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या ये सच है इज दिस ट्रू क्या मेरा हिसाब आपके पास है यानी आप किसी से कह रहे हैं कि आपके पास मेरा बिल है यानी यू कैन से कि आपका क्या आपके पास मेरा खाता लिखा हुआ है यू कैन से लाइक दिस डो यू हैव माई बिल डू है My bill, माई बिल आई विल पेड नाव या now. I will pay it tomorrow मारो कि मैं इसे कल kar कर दूँगा paying it right now ye ये भी कह सकते हैं तो do you have my bill? kya आपके पास मेरा बिल है मेरी मदद कीजिए Please help me. मेरी मदद कीजिए मुझे रास्ता नहीं पता प्लीज़ हेल्प मी मुझे रास्ता नहीं पता आप इस तरह भी कह सकते हैं मैं खाना खरीदना चाहता हूँ या मैं खा खाना ख़रीदना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू बाई फूड आई वॉन्ट टू बाई मील आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आई वॉन्ट टू बाय फूड मैं खाना ख़रीदना चाहता हूँ अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की लेट्स सी कोट ऑफ द डे से पहले मैं आपको टिप बताना चाहूँगा कि आप अपनी अंग्रेज़ी को कैसे बेहतर बना सकते हैं हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली कि आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से कैसे बोल सकते हैं और किस तरह आप अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर कर सकते हैं तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना सिंपल यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश आपने ख़ुद को बार बार याद दिलाना है कि आपने इंग्लिश में बोलना है मैंने इससे पहले एक किताब लिखी थी फाइव थाउजेंड इंग्लिश सेंटेंसेस वो माशाल्लाह से तकरीबन स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया और उसे याद भी किया बट सॉरी टू से लेकिन ये कहन, कहते अफसोस हो, हो रहा है कि यू नेवर यूज़ इन योर डेली लाइफ कि आपने वो कभी अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं किए इफ़ यू यूज़ अगर आप उसे इस्तेमाल करते तो आई एम श्योर यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश आप बोल रहे होते बट यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश वाइक नाउ लेकिन आप नहीं बोल रहे बिकॉज़ यू जस्ट मद देंटेंसिस आपने सिर्फ जमलों को याद किया एंड इट और उसे भूल गए पहला तरीका तो यह है कि आप जुमले जो याद करते हैं जो जैनशीन करते हैं उसे हर सिचुएशन में इस्तेमाल करें चाहे उसकी सिचुएशन हो या ना हो आप कोशिश करें उन जुमलों को इस्तेमाल करने की पहला तो ये हो गया दूसरा आज से आप अपना प्लान बना लें कि रोज़ एक एपिसोड आप कोई भी इंग्लिश डब ड्रामा देखेंगे इफ़ यू लाइक टुर्कश ड्रामा सो यू हैव टू वॉच टुर्किश ड्रामा इन इंग्लिश डब लाइक नी मेरी मेरी एग्जांपल ने फॉर एग्जांपल बिकॉज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ आई हैवेंड अपलोडेड एनी लेसन फॉर लास्ट लास्ट थ्री फोर मंथ्स बट आई एम स्टिल स्पीकिंग आई डोंट हैव टाइम टू डू एनी प्रैक्टिस मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं प्रैक्टिस करूँ आई डोंट हैव एनी फ्रेंड मेरे पास कोई दोस्त नहीं जिसके साथ मैं बात कर सकूँ सो हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड हाउ कैन आई स्पीकिंग वाइट नाव तो मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया और मैं कैसे बोल रहा हूँ अगर मैंने तीन महीने से प्रैक्टिस नहीं की सिंपल आई डेली Watch one video. Korean dramas in English dub Netflix rose upload karta करता है. या रोज़नी weekly upload karta है. I never I use Hindi dub also but if English version available I definitely watch English version. अगर English version होता है उस drama का तो मैं उसको English version में देखता हूँ. और अब मुझे caption की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें जो अंग्रेज़ी बोली जाती है ना बेटा वो इस तरह इतनी साफ और इतनी आसान होती है कि आप बोलोगे वाह इतना ज़बरदस्त यार ये तो मुझे समझ आ रही है आप इसको एक्सपीरियंस करके देखें जस मेरे कहने पे एक ड्रामा ले लें कोई भी नेटफ्लिक्स का जो किसी और जबान का हो और डपिंग इंग्लिश में हुई हो वो आप सुने और देखें आप अपना एक्सपीरियंस ये मेरी आपसे एडवाइस है ये मेरा सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर कर रोज़ एक एपिसोड अब ये नहीं होगा आप जुनून में आके बारह मैं तो सोलह के सोलह एक साथ देख लेता हूँ जब भी टाइम मिलता है जैसे हफ्ते की रात मैंने देखा एतवार के दिन भी पूरा देख लिया अब मेरा रिकॉर्डिंग करनी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया अभी दोबारा जाके देखूंगा बट द प्रॉब्लम इज कि आपने रोज एक देखना है उसकी वजह यह है कि आपको वो जुमले जो रिपीट होंगे अगर एक साथ आप देख लेंगे तो आपको सिर्फ समझ में तो आएगा लेकिन रोज़ाना देखने से आपको आपके माइंड में नए नए वर्ड्स और जो वर्ड्स होंगे वो मेमोराइज़ होंगे जब मेमोराइज़ हो जाएंगे तो आप इन्शाला, इन्शाला आप इन उन मेमोराइज़ वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे तो काइंडली इतना करके देखें दो काम एक जो जुमले आप याद करते हैं वो आप लाजमी इस्तेमाल करें अपने डेली लाइफ में दूसरा कि आपने कोई भी अलग ज़बान का ड्रामा हो उसे इंग्लिश डब में देखें और नेटफ्लिक्स का देखें तो उसकी डबिंग बहुत अच्छी होती है उसकी एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़बरदस्त होती है तो आपको मसला नहीं होगा ये दो काम कीजिए और तीसरा तीसरा मुझे बताया कि मैं आपके लिए कौन सी वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँ विच वीडियो शुड आई अपलोड फॉर फॉर नेक्स्ट वीक आई विल अपलोड उ टू English इंग्लिश next नेक्स्ट वीक ये सीरीज तो मैं हर संडे को अपलोड करूँगा लेकिन आप क्या सीखना चाहते हैं तलमी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा आई विल फुलफिल योर wishes, ओके okay? सो so now, क्यूट ऑफ द डे अब टूट ऑफ द डे का वक्त है अगर आपने ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप ही मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ दे रहे हैं मुझे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें क्योंकि वजह यह है मैं अपने चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ लोग सीखें और मैं कुछ ऑनलाइन कमाना चाहता हूँ लेकिन कमा नहीं पाता तो काइंडली मेरी हेल्प करें इसमें कोट ऑफ द डे फॉर देम दैन माफ़ कर दो उन्हें इवन वैन दे आर नॉट सॉरी चाहे वो शर्मिंदा है या माफ़ी नहीं मांगते जब भी उन्हें माफ़ कर दे लेट देम बी राइट और उन्हें यह सोचने दें कि वो सही है चाहे वो गलत है अपनी गलती पर शर्मिंदा भी नहीं है उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें यह सोचने दें कि वो सही है चाहे वो गलत है इफ़ दैट वॉट दे नीड और अगर जो वो चाहते हैं सेंड दैम लव एंड सेंड दैम ऑफ वो उन्हें भिजवा दें और उन्हें जाने दें Don't tie yourself to टू इस्मॉल माइंडडनेस और ख़ुद को ऐसे लोगों के साथ ना बांधे जो छोटी जहनीत के हैं जो आपको समझ नहीं सकते जो आपको गलत साबित करते हैं इट विल स्टील योर वेल बींग वो तुम्हारा तुम्हारी अच्छाइयाँ और तुम्हें जो खसूसियात होती हैं उसे चुरा लेते हैं यानी वो लोग तुम्हारी अच्छाइयों को ख़त्म कर देते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों को अपने साथ ना रखो जिन्हें जाना है जाने दो वो अपनी ग़लती होकर भी नहीं मानते तो उन्हें जाने दो और ये सबसे अच्छा तरीका है खुश रहने का और अच्छे बने रहने का जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अगर लाइक नहीं की वीडियो तो लाइक कर दें और शेयर अपने दोस्तों के साथ लाजमी करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें अल्लाह हाफ़िज़ टेक केयर बाय असलास्ता